इस पर होगा तो अंदर महफिल में तशरीफ ले आए। ये सारी मेहनत, ये सारी जगदौर, ये सारी नौरत रौनक जो आपको नजर आ रही है वो सीनियर्स के सरपरस्ती में इन नौजवानों का कारनामा है। रब इज़्ज़त जलाल इनकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाए। तो इसलिए अगर आप इजाज़त दीजिए, रिहान आज़मी साहब के और इन बच्चों को, इन नौजवानों को मैं हत्या कर रहा हूँ कि अजानों की चांद रात जवानों का हत्या कर रहा हूँ, अजानों की चांद रात नमाजों की ईद है, दुनिया के आज सारे जवानों भाई वाह। तो ये बच्चे यकीनन, ये नौजवान यकीनन काबिल सताइश है, जो मंजूर भाई की सरपरस्ती में और एजाज अकील भाई की सरपरस्ती में और दीगर जो यहाँ पे बुज़ुर्ग इनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, इनकी सरपरस्ती में बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। ये जो आज महफिल जिसमें आप तशरीफ़ फरमा है, इसकी इस विचर की एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही हट के रूहानियत और मानवीयत इस महफिल के अंदर मौजूद है। यहाँ की जो डेकोर है, यहाँ की जो लाइटिंग है, यहाँ की जो फ्लोर डेकोरेशन है, हर चीज़ के पीछे एक थॉट मौजूद है, हर चीज़ के पीछे एक सोच मौजूद है। और मेरे इल्म में है कि ये पूरी टीम कितने दिनों से कि फ्लोरल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, लाइटिंग का अरेंजमेंट कौन कैसा होना चाहिए, पढ़ने वाले कौन होने चाहिए, निज़ामत के लिए किस तरह से होना चाहिए, क्या बात। तो आप तो एक सजा सजाया गुलदस्ता देख रहे हैं, लेकिन इस गुलदस्ते के हर फूल को चुनने के लिए इन नौजवानों ने जो मेहनत की है और इन बुज़ुर्गों ने जो सरपरस्ती की है, हम सब की दुआएं इनके साथ हैं कि रब्बे ज़ुल्जलाल इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, शहजादा अली अकबर के सदक़े में इनको उम्र तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह से ये दर मोहम्मद और आले मोहम्मद से वाबस्ता रहकर शरीकतुल हुसैन फाउंडेशन के परचम तले इस दर की दरवानों की और महिमान मोहम्मद और आले मोहम्मद की खिदमत करते रहें। इन सब की तौफीकात ईमानी में मज़ीद इजाफे के लिए एक मरतबा मिल के बुलंद तरीन सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद। ये सब अथर भाई का कारनामा है कि इन्होंने इस पूरी महफिल को जोड़ के रखा, जमा के रखा। हर चंद के वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ एक जुमला दो लाइनें बोलना चाहूँगा कि अगर आप शाबान की फजीलत को समझना चाहें तो इस महीने की फजीलत उस ज़ात से वाबस्ता है जिस ज़ात की न सिर्फ ये कि इस्लाम पे एहसान है बल्कि एहसान इंसानियत पे एहसान है। सैयद शहदा नवासे रसूल, इनकी अजमत क्या है आप पूरे 12 महीनों को देखें, इस्लामी महीनों को देखें। नवासे रसूल की अजमत ये है कि जिस महीने में नवासे रसूल की वलादत है, सैयद शहदा की वलादत है, उस महीने में रब्बुज़्ज़लाल ने किसी गम के दिन को नहीं रखा है, कोई शहादत नहीं है, कोई वफात नहीं है, और जिस महीने में सैयदुश्शहदा की शहादत है उस महीने में रब्बुज़्ज़लाल ने किसी खुशी को नहीं रखा है। यानी रब ये चाहता है कि इनकी खुशी में खुश रहिए और इनके गम में गमनाक और अफसरदा रहिए। अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर मिलकर बुलंद तरीन सलवात भेजिए। मैं ये क्योंकि हमारे यहाँ ही हर साल हम जो है कि अवार्ड जो है वो जो हमारे बुजुर्ग शोराए हैं और यकीन बात है कि वो जो उन्होंने ज़िंदगी भर जो खिदमत की है, आदत थी और लबैत थी, उसको तो कोई और हम अदा नहीं कर सकते। लेकिन उसके पोजिशन में हमने सोचा है कि उन शायरों को हम एक हर साल एक अवार्ड दें, तो मुसलसल 6-7 साल से हम ये हमने सोचा 7वां अवार्ड है हमारा जो ये हम दे रहे हैं और हमें खुशी है। और ये दफ़ा जनाब रोशन नकवी साहब यकनी बात है कि वो बहुत ही अजीम शायर हैं और उनका कलाम खूबसूरत
भी जानते हैं, सभी उनको पहचानते हैं, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी महफिल में आए और उन्होंने सिदारत कबूल फरमाई इस महफिल की। और जनाब डॉक्टर लियाकत साहब के भी हम मशहूर हैं। मैं शेख हुसैन की तरफ से तमाम लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब का भी कि वो हमने तशरीफ़ लाए। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, वो ये है कि मैं तमाम इस प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी शोरा मुतफ़ा और जो भी लोग यहाँ आते हैं वो पढ़ते हैं, उनसे भी दरदस्ता गुजारिश है कि वो जब भी कोई शेर पढ़े और कोई भगवत नात या जो कुछ पढ़ रहे हों, ये ख्याल रखें कि उसमें कोई ऐसे कुफ़रिया जुमले नहीं होने चाहिए जो कि हमें तकलीफ देते हैं और लोगों को भी, और हमारे प्लेटफॉर्म से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो बहुत से सोच समझ के और बहुत एहतियात से और बहुतात होकर वो शायर शेर पढ़ें, चाहे मनकरत फाम हो या शायर हो। जो है मैं माहौल पढ़ना चाहता हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ज़रूरी है ये बात जो है कि इन महफिलों में हमें बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए जो है। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर अली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ये अवार्ड जो है वो जनाब हुसैन अकबर साहब के हवाले करें। जनाब डॉक्टर अली बाज़ेरी साहब, अपने दस्ते मुबारक से हज़रत हुसैन नकवी साहब को ये लाइफ अचीवमेंट की बहुत पेश फरमा रहे हैं। पर मिल के नारा है सलावा। नारा है तकबीर, नारा है रिसालत, मिल के नारा है हैदर अली वल मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर, नारा है सलावा। एक मरतबा मिल के बाबा से बोला नारे सलवा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद शरीयत हुसैन फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम हज़रत कौसर नकवी साहब को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो है वो पेश किया गया उनकी खिदमत पर, उनकी अज़ादारी की खिदमत पर।